Sir, you have already conducted the session, how to overcome the fear of failure. अब मेरा ये इशू है, failure तो देख लिया, छोड़े होके ऐसे करके आ जा failure. अब ना वो इशू मेरे अंदर sense of unaccomplishment है कि मैंने ये अचीव नहीं किया, shit यार, I could do this, but ये अचीव नहीं हुआ due to some reason, personal or whatever. तो इसके लिए क्या solution होना चाहिए? By the way, I am in CA final, तो अभी आप सीए फाइनल में? हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, क्लियर्ड फर्स्ट ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. सेकंड ग्रुप में फ्यू मार्क्स का था कि 40 नहीं बने और एग्रीगेट 50% पास कर दिया. मतलब सेकंड ग्रुप आई हैव टू रीअपीयर इट अगेन. बट मेरे को जब फेल हुई तो मेरे को ऐसे फील नहीं हुआ कि शिट आई शुड क्राई और समथिंग लाइक दैट. बट स्टिल अभी तक इट्स बीन मोर देन अ मंथ, आई फील लाइक आई कुड हैव अकम्प्लिश्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट. वो वाला अचीवमेंट ही प्राइड ही अलग होती है. तो दैट्स एन इश्यू. अभी आप सिर्फ एक बार फेल हुए हो उसमें, राइट? अब नहीं होंगी, अब हो जाएगा मेरा. यहाँ कितने सीए स्टूडेंट्स बैठे हैं सर? फोर टाइम. कितने सीए कर रहे हैं? हाँ, फेल. आप सुनते जाओ. चार बार. हाँ जी, कितनी बार? फोर टाइम्स, थ्री टाइम्स. आप तो बहुत अमीर हो, सारे गरीब बैठे हैं आप. मेरा हेल्थ इश्यू आ गया था तो एक पेपर में 30 समथिंग आए, 40 नहीं अचीव हुए. अदरवाइज तो मैं बन जाती, मेरे को पता है, मेरे को कॉन्फिडेंस है. बट स्टिल लगता है कि यार हो जाता, घर वाले भी खुश हो जाते कि हाँ लड़की फ्री हो गई है. अभी तो आप सोचो एक बार फेल हुए, भगवान ना करे, मतलब नहीं होंगी मैं. कैसे कह सकते हो? मेरे को पता है, अपने आप पे पता है मेरे को. पक्का 101% श्योरिटी. आपका क्वेश्चन ये है कि फेलियर चाहे एक बार हो, चाहे चार बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे कितनी भी बार हो, फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता है. हमें बुरा लगता है और बार बार सिर्फ ये नहीं खटक रहा होता कि हम फेल हुए हैं, ये भी साथ में खटक रहा होता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं. दोनों चीजों में हमारा माइंड डेविएट कर रहा होता है. अब अगर इन दोनों जगह पे हमारा माइंड घूमता रहेगा तो अभी जो करने वाला काम है वो हम कैसे करेंगे? एग्जैक्टली. करना कुछ और है. आप सोच क्या रहे हो, मैं सक्सेसफुल हो जाता या हो जाती तो मजा आ जाता, फेल क्यों हो गई, व्हाटएवर. तो उसकी वजह से हो सकता है, वैसे हो गए नहीं, आपने 101% बोला है, हो सकता है अगली बार भी, फिर उसकी अगली बार भी, फिर उसके तो पहली बार हो रहा है. फिक्र असली में नहीं मारा आपने, बच गया आज तो मैं. नहीं नहीं, आप पास हो अगली बार, टॉप करोगे. देखो मैं कहता हूँ मत डरो मत डरो, मेरी हवा टाइट है. आप टॉप करोगे जी, आप तो कुछ ऐसा करोगे सीएम में जो आज से पहले किसी ने नहीं किया होगा. माइक मत मारना, मैं आज जोड़ता हूँ आपके. मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया. कर दिया जी, थैंक यू सो मच. कितने लोग चाहते हैं आज के सेशन का ये टॉपिक होना चाहिए? बहुत बढ़िया जी. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं. मैं अभी आपका एग्जाम्पल नहीं लेता क्योंकि आप तो एक ही बार फेल हुए हो. बाकी जो लोग यहाँ पर 3 बार 4 बार, कितने लोग हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार सीए के अटेम्प्ट दे चुके हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है. और फेल सिर्फ दुनिया की नज़र में नहीं हो रहे हैं, खुद की नज़र में भी हो रहे हैं. बाहर से हम दिखा सकते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अंदर से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा. ऐसा हो ही नहीं सकता आपको फ़र्क ना पड़े. तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी जो ब्रेन है उसका जो कंट्रोल है, पूरी तरह से नहीं लेकिन काफ़ी हद तक हमारे हाथ में आ जाए? यस तो आपने बोल दिया. कैसे सर? आपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड में आपने बताया था कि अपनी कमियां देखो पहले, फिर उसे धीरे धीरे अपनी हैबिट में लेकर आओ. तो आप धीरे धीरे जब उसे हैबिट में लेकर आओगे तो वो आपका नॉर्मली आपका रूटीन बन जाएगा कि हाँ हमें ऐसे करना. तो इस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. एक चीज और करो यहाँ पर, जब भी मैं किसी भी सेशन को टच कर रहा हूँ ना, जैसे अब यहाँ पर जो टॉपिक टच हो रहा है सिर्फ वहीं पर रहो. पुराने मेरे जो सेशन है उसको भूल जाओ पूरे तरीके से. उसको कनेक्ट करके अगर आज के टॉपिक को आप समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसमें कोई अलग बात हो रही थी, आज कुछ अलग बात हो रही है. आप समझ गए ना? तो आज जो टॉपिक हो रहा है सिर्फ उसी से रिलेटेड. मेरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, मैं क्या पूछ रहा हूं यहां पर, कि हमारा जो माइंड है वो पास्ट में और फ्यूचर में भटकता रहता है. अगर पास्ट फ्यूचर को मैं एक वर्ड में बोलूं तो थॉट्स में भटकता रहता है. अनलिमिटेड थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं. तो क्या ये पॉसिबल है कि आपकी जो ब्रेन है, ये जो आपकी ब्रेन है जिसके अंदर एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, जिस वजह से जो काम करना है जो थॉट वहां पर टिका रहना चाहिए वो टिका नहीं रहता है, क्योंकि वो एकदम से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एक और थॉट आ जाता है. समझ गए? ये समझ पा रहे हो? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है.
समझ पा रहे हो ना, कुछ भी ना समझ आए तो आप मेरे को रोक सकते हो। जैसे मान लो ब्रेन आपकी एक स्क्रीन के जैसी है, उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या चाहते हो, एक थॉट है वो बना रहे, मुझे सीए करना है और मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके सीए क्लियर करना है, आप चाहते हो ये थॉट बना रहे, लेकिन ये बना नहीं रहता है, और थॉट्स आते रहते हैं अनलिमिटेड। घर में कुछ हो गया, उसके थॉट्स आ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, अपने पास से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड डर पैदा हो रहे हैं अंदर कई तरह के, जो गलतियां आपने करी है वो याद आ रही है, मतलब अनलिमिटेड थॉट्स। तो हो क्या रहा है, कोई भी एक थॉट टिक नहीं पा रहा है। तो जब टिकेगा नहीं तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे, उस पर आप फोकस कैसे करोगे। फोकस करने का मतलब क्या है किसी एक काम के ऊपर, कि उस काम का थॉट आपकी ब्रेन में टिका रहे, बट वो थॉट आए और कुछ सेकंड्स के लिए आए, आप उसको टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतनी देर में और थॉट्स आए उसको बहा करके ले जाए, फिर वो चलने शुरू हो जाए और समझ ही नहीं आए कि उसको रोके कैसे, उन थॉट से हम बाहर कैसे आए, एक गंदी फिल्म चलने लग जाए और समझ ही ना आए कि उस फिल्म से बाहर कैसे आए, वो फिल्म जो हम नहीं देखना चाहते हैं, ये थॉट्स क्या है, एक फिल्म के जैसे नहीं है। तो समझ गए, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्रेन है उसके ऊपर एक थॉट बना रहे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं उसका जो पूरा का पूरा बर्डन है, क्योंकि वो भाव बहुत तेज है, समझ पा रहे हो, कि वो बहाव धीरे धीरे कम हो जाए और धीरे धीरे, अभी एक दिन में नहीं होगा, इस समझ से होगा, इतना कम हो जाए जो बिल्कुल एक पीसफुल लेक के जैसा हो, तो क्या होगा, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, ये थियोरेटिकली तो हम बोल रहे हैं, सबको पता है लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, मैं इसकी डेप्थ में जा रहा हूँ, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई और ये बातें करेगा नहीं क्योंकि इतना डीप में कोई जाता नहीं है। हो क्या रहा है, आपके अंदर जो थॉट्स का भाव है वो बहुत तेज है, एक थॉट आता है पॉजिटिव, उसके बाद में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एकदम से भाग करके ले जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहां गया, मतलब पॉजिटिव रहने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, नेगेटिव रहने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत ही नहीं है, नेगेटिव तो हम है ही, अनलिमिटेड नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव भी आप लेबल लगा रहे हो, थॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, थॉट होते हैं, कोई भी थॉट आते हैं आपके माइंड में अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है जो काम आप अभी कर रहे हो, समझ गए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो आपको उस काम से आपका ध्यान हटा देते हैं। सपोजिंगली मैं यहां पर बैठा हूं आप लोगों के साथ में, मेरा काम क्या है, अभी आपने मुझे एक प्रॉब्लम दी है और हमको मिल करके उसका सोल्यूशन निकालना है, यही काम है और तो कोई काम नहीं है। इस वक्त चाहे मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए चाहे पॉजिटिव आए, दोनों ही डिस्ट्रैक्शन है, समझ गए, मैं बैठ करके सोचने लग जाऊं, हाँ जी कितना मजा आएगा, ये वीडियो अपलोड होगी, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, ये क्या है, पॉजिटिव ही बोलते हो ना आप इसको, हाँ मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, बेकार है, किसी काम के नहीं है, जो काम हम अभी कर रहे हैं उससे इसका कोई लिंक नहीं है, दूर दूर तक डिस्ट्रैक्शन है, चाहे नेगेटिव थॉट्स आए, ये तो किसी को समझ ही नहीं आएगा सेशन, ये तो बहुत डीप है, लोग तो खचरों के जैसे हैं, उनको ऊपर ऊपर की लेवल की बातें अच्छी लगती हैं, ये डीप बातें किसको समझ आती हैं, कौन समझना चाहता है, तो क्या होगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा, तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, मेरा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। मिशन क्या है कि आप लोगों की लाइफ बेटर हो, और कुछ नहीं है। बेटर होने का मतलब क्या है, आपको समझ आए कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके बिना लाइफ बेटर नहीं हो सकती है। कुछ अचीव कर भी लिया ना, जो सोच रहे हो ये मुझे यहां जाना है, इस कॉलेज में घुस गया, ये सिर्फ इल्यूजन्स होती हैं, आपको लगता है कि ये होते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एक बार देखो जिन लोगों के साथ में वो हो गया है, क्या उनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है, उसके बाद में मैं इस कंपनी में घुस जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उस कंपनी में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, आज आपकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, तब अलग तरह की, तब अलग तरह की, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स को अगर एक वर्ड में समाप्त किया जाए, एक वर्ड में, वो है थॉट्स। हमें लगता है बाहर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से हमको हो रही होती है। जो लोग आपके घर में जैसे हैं वैसे हैं, वो बदलने वाले नहीं है। जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है, तो आप कह रहे हो बिल्ली बुरी है, चूहा बेचारा बड़ा अच्छा है, तो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है, ये आपकी प्रॉब्लम है, समझ गए। आपके घर में कोई डोमिनेटिंग है तो वो बिल्ली हो गया, आप चूहे हो गए, तो आप कह रहे हो बिल्ली चूहे को क्यों खाती, अरे खाती है, ऐसी ही है दुनिया। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसके अपने ही थॉट्स, उसके अपने ही गलत थॉट्स।
I'm not talking about negative thoughts. I'm talking about wrong thinking. There is right thinking and there is wrong thinking. And there is positive thinking and there is negative thinking. I'm not talking about positive thinking, negative thinking. वो डिपार्टमेंट आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए छोड़ दो. आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर कि ऊपर से आकर के आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सोचो. उसे क्या होता है? कुछ नहीं होता है. टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं है. परमानेंट सोल्यूशन क्या है? राइट थिंकिंग. नेगेटिव थॉट्स भी जरूरी है सर, दोनों चीजों को देखें. बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बैलेंस नहीं बना सकते लाइफ में. सर आपकी वेबसाइट पे एक बुक मेंशन है, दैट इज भूल जाओ, यहाँ पे आ जाओ. समझ गए? सारी बुक्स को उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दो अभी फिलहाल के लिए. अभी जिस टॉपिक पे हम हैं सिर्फ वहां पर रहो. देख रहे हो आपका माइंड कहाँ कहाँ जा रहा है? यहां पर आ जाओ. मेरे सेशंस को भूल जाओ जो पास्ट में हुए हैं, उसका आज के सेशन से कोई कनेक्शन नहीं है. जो बुक्स हैं वो बुक्स सिर्फ बुक्स हैं, वर्ड्स हैं. उन वर्ड्स का आप करोगे क्या? पहले ही वर्ड्स कम है क्या माइंड में आपके? जो वर्ड्स हैं वही तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हैं. जो थॉट चलते हैं वो है क्या? वर्ड्स ही तो हैं. तो और वर्ड से क्या होने वाला है? प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. तो अब देखते हैं ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इससे बाहर कैसे आना है. ये हमारा आज का चैलेंज है. बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अब ये पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स से हम बाहर कैसे आए. पॉजिटिव थॉट्स आपकी जो पावर है रियलिटी को एज इट इज देखने की, उसको खत्म कर देती है. आप किसी रिलेशनशिप में हो और किसी लड़के के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, तो अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिव भी होगा तो आपको नजर ही नहीं आएगा. तो पॉजिटिव थॉट्स कहां अच्छे हैं? पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन. आप कुछ कह रहे थे? मैं ये बोल रही थी कि तो हम हर्ट होते रहे उससे, मतलब उसकी जो भी उसका बिहेवियर है, तो हम उसको माइंड ना करेंगे ठीक है ये तो ऐसा ही है. मैंने ये कब कहा? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तो मतलब उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है. तो प्रॉब्लम अगर उसकी वजह से मुझे हो रही है तो वो प्रॉब्लम है, या मेरे जो अपने थॉट्स हैं उसके बारे में वो प्रॉब्लम है? आपको सिंपल मैंने एग्जांपल दिया है. इस दुनिया में बिल्ली चूहे का एग्जांपल दिया है. इसके आगे आप बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगा सकते हो, ठीक है. इंसान भी बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के जैसे होते हैं. हाँ, आपको डंक मारते रहते हैं. समझ गए ना? यही है ना प्रॉब्लम. आप कह रहे हो कि मैं मधुमक्खी के छत्ते के पास में जाती हूँ और मधुमक्खियां मुझे काटती है. ऐसा क्यों होता है? पास जाना बंद कर दो. अब मैं इशारे में बात कर रहा हूँ लेकिन समझ लेना इन इशारों को. समझ गए ना? आपके घर में कुछ मधुमक्खी के छत्ते होंगे, उनके आसपास जाओगे तो डंक लगेगी. मेरी प्रॉब्लम है मेरे माँ बाप, मेरी प्रॉब्लम है सपोर्ट, मेरी प्रॉब्लम है ये, वो वैसे ही रहने वाला है. अब बोलो आप क्या चाहते हो मुझसे? क्या जवाब चाहते हो? कि मेरे माँ बाप बदल जाए? अरे मेरे नहीं बदले, आपके कैसे बदल जाएंगे? चलो उनको छोड़ो, आप खुद नहीं बदले, आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बदल जाएगा? आपका खुद का जो बेसिक नेचर है, क्या वो बदल गया है पूरी तरीके से? नहीं बदला है तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हो आप? सिर्फ वो आपको उंगली नहीं करते, आप भी उनको करते हो. जब वो करते हैं तो चुप हो जाओ. नहीं, लेकिन आपको भी भाई ऐसे कैसे चुप हो जाए हम? हाँ, वो भी कहते हैं हम भी ऐसे कैसे चुप हो जाए, हम भी अपनी जगह पे लगे हुए हैं, आप भी अपनी जगह पे. तो मैं अभी वहां पर जा ही नहीं रहा हूं. वो एक एंडलेस डिबेट है, एंडलेस कंफ्यूजन है, एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट है. वो कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है. एक चीज है जहां पर आपका 100% कंट्रोल है, वहां पर आपको 0% कंट्रोल है. 100% कहां है? अपने खुद की ब्रेन के ऊपर. बस यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए. हमारा फोकस ही गलत जगह पर है. हम दुखी हो रहे हैं औरों की वजह से, खुश हो रहे हैं औरों की वजह से. समझ गए? तो आपका कंट्रोल किसके हाथ में है? दुनिया के हाथ में है. आपके खुद के हाथ में कहां है? ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं बैठ करके कि क्या ये हो सकता है कि मेरा जो खुद का जो ब्रेन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में कंप्यूटर के जैसा, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए, एक स्विच आ जाए. जब मूड किया ऑन कर दिया, जब मूड किया ऑफ कर दिया. देखो ऑफ है. कोई थॉट आ रहे हैं? थॉट आने बंद? कितने लोगों के माइंड में बंद हो गए थे थॉट आ रहे हैं? अभी स्विच है ना. जब थॉट नहीं होते हमारी ब्रेन में तो हमारी ब्रेन कैसी होती है? एक ऐसा कंप्यूटर जिसको अभी अभी फॉर्मेट किया है. और जब अनलिमिटेड थॉट्स होते हैं तो कैसी होती है हमारी जो ब्रेन है? हैंग हुई पड़ी होती है. बहुत सारी ऐप्स एक साथ में खोल दी है तो हैंग हुई पड़ी है ब्रेन, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें. अगर ऐसी आपकी ब्रेन हो जाए तो इसको बोलते हैं अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना, और कुछ नहीं है. यही है माइंड कंट्रोल.
मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज थॉट? इल्यूजन. अरे इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हो? व्हाट इज थॉट? थिंकिंग प्रोसेस. व्हाट इज थिंकिंग प्रोसेस? थॉट और थिंकिंग में क्या फर्क होता है? देखा है आपने उस बबल को कभी? नहीं देखा है. तो फिर आप क्यों कह रहे हो बबल है? बबल का कॉन्सेप्ट बीच में क्यों ला रहे हो? सर मतलब कि सर थॉट बाहर से एकदम आया और एकदम गया. ऐसा नहीं है, कई बार आप रुकता भी है. अगर आप चाहो तो उसको रोक सकते हो. बबल को तो जैसे ही छूओगे वो फट जाएगा. यहाँ पर आप रोक करके रख सकते हो. सर दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं सर, उसके अकॉर्डिंग भी फर्क पड़ता होगा सर. हाँ हाँ, नजरिया एक अलग चीज हो गई. नजरिया हो गया आपका पर्सपेक्टिव, जिस नजर से आप इस दुनिया को देख रहे हो. जैसे मेरा पर्सपेक्टिव अभी ये है, तो अगर मैंने पूरी जिंदगी यही देखा है तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है. इसके बाहर मैं सोच नहीं सकता. जैसे कुएं का मेंढक, तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है? कुएं तक है. समुद्र की मछली, उसका पर्सपेक्टिव क्या है? बहुत बड़ा है कुएं के मेंढक से. समझ गए? तो ये होता है पर्सपेक्टिव. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज थॉट. अगर इस समझ आया तो कुछ कर पाओगे. ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो बुक्स को छोड़ दो. व्हाट इज थॉट? सर व्हाट वी इमेजिन एंड व्हाट वी फील, दीज टू वर्ड्स कैन बी रिलेटेड टू थॉट्स. एंड इमेजिनेशन एंड फीलिंग कैनॉट बी टच और वर्ड्स में उलझ रहे हो. देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं. अभी देखो अपने थॉट्स को, बताओ थॉट क्या है. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया, देयर वर नो थॉट्स. आपने एक्सपीरियंस किया, अब बताओ थॉट क्या है. देखो अपनी ब्रेन के अंदर झांको. स्टोरेज ऑफ थिंकिंग. सर थॉट्स बोलो मत, देखो. डोंट स्पीक, देखो. हाँ देखो, ये जो चुटकी बजाऊंगा इसकी आवाज को सुनना, और जब ये आवाज नहीं होगी तब भी इसको सुनते रहना. कोई थॉट था? अपने आप से बात कर. तो थॉट गायब हो गया था. तो थॉट क्या है? अपने आप से बात करना. अपने आप से बात करना. अपने आप से बात करना. बिना अपने आप से बात करे क्या कोई थॉट हो सकता है? सोच के दिखाओ. कोई ऐसा थॉट सोच करके दिखाओ जिसमें कोई वर्ड ना जुड़ा हुआ हो, कोई सिंबल ना हो, कोई पिक्चर ना हो. दिखाओ, कोशिश करो. करो ना कोशिश, अभी की अभी करो ना. कल के ऊपर पोस्टपोन क्यों करना है? क्यों वर्ड्स में जाकर के उलझना है? क्यों बुक्स में अपना दिमाग खचड़ पचड़ करना है? लोग होते हैं लाखों बुक्स पढ़ लेते हैं, समझ कुछ भी नहीं आता है. पहले भी उनकी प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो थॉट्स थी. थॉट्स की जो जड़ है वो वर्ड्स हैं. थॉट इज नथिंग बट अ वर्ड, वर्ड विच इज रिलेटेड टू समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग? आपके जो पांच सेंसेस हैं, थोड़ा डीप हो जाएगा. कोशिश करूं? कोशिश करना पकड़ने की. थोड़ी हिम्मत करो, ठीक है? थोड़ी सी हिम्मत किया करो कभी कभी. हमेशा कॉमेडी नहीं होती है, कभी डीप में जाकर के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने होते हैं. आपके पांच सेंसेस हैं, ये पता है आपको? उन पांच सेंसेस के थ्रू कुछ सेंसेशन होती है. कुछ सूंगा तो आपको पता लगा, उसको आपने एक वर्ड दिया हुआ है, ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है. ये जो हुआ एक्चुअल में वो क्या है? वो एक सेंसेशन है. कुछ दिख रहा है, एक इमेज दिख रही है. दिखता है तो वहां पर थॉट नहीं होता है, लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में जो आप बोल रहे हो उसको थॉट बोलते हैं. पकड़ में आ रहा है? कोशिश कर रहे हो? हाँ, मेरे साथ साथ में आगे बढ़ रहे हो. तो व्हाट इज थॉट? थॉट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज में क्या आ गया? लैंग्वेज को आप इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो. नाउ डोंट गेट लॉस्ट इन टू वर्ड्स. मेरे वर्ड्स को मत पकड़ना. ये गलती आप लोग करते हो, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अभी जो आपने अपने सेशन में ये बोला है वो तो ये आपने बोला है, पहले सेशन में ये बोला था. जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं इस बॉटल को बॉटल बोलूं, टॉटल बोलूं, पॉटल बोलूं, कॉटल बोलूं, नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट ये है मैं क्या बोल रहा हूं इस बॉटल के बारे में. वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? या वर्ड्स में उलझे पड़े हो? अगर आप वर्ड्स में उलझे हुए हो तो आप मेरे सेशन भी देख तो रहे हो, लेकिन आप थॉट्स में उलझे हुए हो. अगर देख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं तो आप थॉट्स को यूज कर रहे हो कुछ समझने के लिए. इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं. कोई ऐसा वर्ड बताओ जो इंग्लिश और हिंदी में कॉमन हो, बताओ. हाँ, सफर. राइट. हाँ देखो कितना सिंपल है. आप सफर करके यहां तक पहुंचे, और यहां पर पहुंच तो गए हो लेकिन अभी भी सफर कर रहे हो. ये क्या बड़बड़ कर रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ हमारे ऊपर से जा रहा है. कोई बेसिक लेवल की बात करो. समझ आ रही है वैसे मेरी बातें? तो पहले आपको समझना है मैं बात किसकी कर रहा हूं.
अपने सेशन में मैं बात किसकी कर रहा हूं, पहले तो आपको यह समझना है। इसको लिंक नहीं करना है कि आपने जो सफर वर्ड यूज किया था ना अपने उस सेशन में, तो आपने इसके बारे में बोला। अब आप सफर करके कह रहे हो कि नहीं सफर करना अच्छा है, अब आप कह रहे हो सफर करना बुरा है। तो उस सफर के साथ में जैसे आप जिस भी तरह से समझोगे उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, उससे रिलेटेड और जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो आपके माइंड में आएंगे, समझ गए ना, उससे रिलेटेड कहानियां आपके माइंड में बनेंगी। वो कहानियां क्या है अगर वर्ड्स ही नहीं है तो इट इज ऑल, अगर सबको मैं उठा करके एक सिंपल उसमें डालूं तो लैंग्वेज। लैंग्वेज लिमिट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जानवरों के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जानवर कोई भी डिप्रेस नहीं मिलेगा कभी भी, इंजर्ड मिल सकता है, डिप्रेशन की गोलियां खाता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं है, तो उनके माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। बिल्ली के माइंड में कंफ्यूजन नहीं है कि मैं चूहे को खाऊं या ना खाऊं, कि मैं वेजिटेरियन बनूं या नॉन वेजिटेरियन बनूं, कि इस किताब में लिखा है कि वेजिटेरियन होना अच्छा है, इस किताब में लिखा है कि कोई बात नहीं नॉन वेजिटेरियन होना भी ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, कंफ्यूज हो गए। अगर मैं इस चूहे को खाऊंगी तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, मैंने चूहे के ऊपर अटैक किया लेकिन चूहा बच करके निकल गया, मैं फेल हो गई। ये बिल्ली आप हो, बिल्ली को मत समझ लेना, बिल्ली की नहीं आपकी बात हो रही है, बिल्ली के थ्रू पकड़ में आ रहा है ना। मैंने दोबारा अटैक किया, दोबारा वो बच करके निकल गया, अब मेरी ईगो हर्ट हो रही है, चूहा मैं बिल्ली, इतनी पढ़ी लिखी बिल्ली, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ, चूहा है क्या मेरे आगे, दो कौड़ी का चूहा छोटा सा और मैं बिल्ली, मैं बिल्ली हूं, मेरे ये बच्चे हैं चिल्लीज, बिल्ली बिल्ली के चिल्लीज, अच्छा अच्छा नाम लगता है, क्यूट लगता है सुनने में चिल्लीज, और मेरा जो बिल्ला है वो जो पास वाली जो एक नाली है वहां पर जो चिल्लीज हैं उनकी जो मम्मी है उसको देख रहा है। इतनी लंबी कहानी बन रही है, कहां बन रही है, थॉट के लेवल पे, पकड़ में आ गया। हाँ तो ये सब चीजें आपको जानवरों में नहीं मिलेगी, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, साइन लैंग्वेज मिलेगी, लैंग्वेज है वहां पर भी, ये मतलब जो लैंग्वेज नहीं है। जैसे ही सपोजिंगली जंगल में शेर आ रहा होता है किसी जगह पर, सपोज पानी पीने के लिए आ रहा है किसी नदी के पास में, तो वहां पर जो जानवर होते हैं उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो शोर करते हैं, कई तरह के इशारे करते हैं और बता देते हैं, तो उनके लिए अगर प्रॉब्लम है भी तो कितनी देर के लिए, जब तक के लिए वहां पर शेर आया, उसकी भी प्रॉब्लम को उन्होंने इमीडिएटली सॉल्यूशन निकाल लिया, किससे, लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज उनको हेल्प कर रही है और आपको क्या कर रही है, अभी ले रही है, अच्छे तरीके से आपको रगड़ रही है ये लैंग्वेज, समझ गए, ये लैंग्वेज ही थॉट्स है। किसी जानवर को आपने नहीं देखा होगा बैठ करके सोचते हुए मेरा फ्यूचर कैसा होगा, पास्ट में मैंने क्या सही गलत किया, समझ पा रहे हो ना मैं कहां लेकर के जा रहा हूं आपको, प्रॉब्लम पकड़ में आ गई, थॉट समझ में आ गया, व्हाट इज थॉट, थॉट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज जो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, हर वर्ड के मल्टीपल मतलब है, सोचो ना कितना कॉन्फ्लिक्ट है लैंग्वेज के अंदर, और लैंग्वेज को हम रियलिटी समझ रहे हैं, एंड लैंग्वेज इज नॉट द थिंग, पहले समझ लो इस बात को अच्छे तरीके से, बॉटल इज नॉट द बॉटल, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बॉटल वर्ड इज नॉट द रियल बॉटल, पानी मैं बोलता रहूं पानी, आप कहोगे प्यास लगी है, पानी पानी प्यास बुझ जाएगी, असली पानी से प्यास बुझेगी, तो क्या पानी जो वर्ड है वो असली पानी है, समझ आ रही है बात, कोशिश करना समझने की, ये बड़ी सिंपल लग रही होगी आपको सुनने में, ये कितनी डीप है अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ड इज नॉट द रियल थिंग, लैंग्वेज वॉट एवर यू टॉक अबाउट संदीप, वॉट एवर यू थिंक अबाउट संदीप, वॉट एवर यू स्पीक अबाउट संदीप इज नॉट द रियल संदीप, इस बॉडी का नाम संदीप से बदल करके अगर फंदीप भी रख दिया जाए, पंदीप भी रख दिया जाए, मनदीप भी रख दिया जाए, गंदीप भी रख दिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वर्ड्स क्या है,
थॉट्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, उसका रोल क्या है, क्यों है लैंग्वेज, समझो। हाँ, समझ गए, इतनी जल्दी समझ गए, समझ गए, खत्म करना है क्या सेशन को। लैंग्वेज क्यों है, चाहे जानवरों में है इंसानों में है, लैंग्वेज क्यों है, फॉर कम्युनिकेशन। समझ आ गया, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। आपको प्यास लगी है, अब आप कैसे मुझे समझाओगे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, कैसे समझाओगे? बच्चा कैसे समझाता है, रो करके समझाता है। अब आप रो करके समझाओगे, इतनी लैंग्वेज तो आती है, तो आप क्या कहोगे, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, तो आपकी मदर, ले बेटा पानी पी ले, काम खत्म। लैंग्वेज का रोल सिर्फ यहीं तक है, लेकिन हम लैंग्वेज को कैसे यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है थॉट क्या है, किसी को पता ही नहीं है माइंड क्या है। जिन ऑथर जिनकी बुक आप पढ़ते हो उनसे पूछो, आपको खुद को समझ आया है? उनको लगता है वर्ड इज द थिंग, द वर्ड माइंड इज नॉट द रियल माइंड। समझो अंकल, समझ आ रही है बात मेरी? आपने माइंड के बारे में 1000 बुक्स पढ़ ली तो आपको क्या लग रहा है, आपको माइंड के बारे में सब कुछ समझ आ गया है? स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग, उसके ऊपर बुक्स पढ़ ली, ये कर ली, जब तक पानी में उतरोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा स्विमिंग क्या होती है। आपको गलतफहमी हो जाएगी, हाँ मुझे स्विमिंग समझ आ गई है, और पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मुझे स्विमिंग आती है। क्यों आती है? मैंने 1000 बुक्स पढ़ी है स्विमिंग के ऊपर, मैंने माइंड के ऊपर 1000 बुक्स पढ़ी है, मुझे माइंड समझ आ गया है, अब मेरा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल आ गया है, मुझे स्विमिंग आ गई। उसको पानी में उतारो, बुरी तरह से डूबेगा, कॉमेडी होगी वहां पर। तो ये जो लैंग्वेज है जो बनी थी किस लिए, इंसान भी पहले जानवरों की तरह ही कम्युनिकेट करता था साइन लैंग्वेज में, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व हुई। अगर आप आज भी जा करके कोई पुरानी गुफाएं देखोगे वहां पर कुछ साइंस आपको मिलेंगे। वो साइंस क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी एक लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज, लेकिन वो साइंस इवॉल्व होते चले गए। अब तो गाने भी बन गए, वट एवर है, बट द पॉइंट इज, देख रहे हो ना लैंग्वेज कितनी इवॉल्व हो गई है। ये जो कंप्यूटर में सब कुछ हो रहा है वो क्या है? लैंग्वेज ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है। तो जैसे ही हमको ये समझ आता है तो क्या होता है कि लैंग्वेज का रोल सिर्फ है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि एक पेचकस है, उसका रोल क्या है? उसे आप बाल बनाते हो, क्या करते हो पेचकस से? हाँ, सब्जियां काटते हो, उसका रोल क्या है? पेच खोलने के लिए। ऐसे इस दुनिया में हर चीज का एक रोल है। मोबाइल का रोल क्या है? मोबाइल से आप मेकअप करते हो, मोबाइल से आप मेकअप करना सीख सकते हो, पर मोबाइल से आप मेकअप कर नहीं सकते, उसके लिए आपको एक मेकअप का ब्रश चाहिए। ऐसे ही हर चीज का अपना एक रोल है इस दुनिया में। तो जैसे ही आपको समझ आ जाता है थॉट क्या है, तो अब आपको यह भी समझ आ जाएगा थॉट का रोल क्या है। थॉट एंड लैंग्वेज इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन, दैट्स इट। जैसे ये समझ आ गया तो अब आप क्या करोगे, थॉट को यूज करोगे सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेट क्यों करते हैं? किसी काम को करने के लिए, तभी तो कम्युनिकेशन की जरूरत है। कुछ करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन चाहिए। समझने की कोशिश करना, ये मैं आपको आगे लेकर के जा रहा हूं, थोड़ा सा डीप में लेकर के जा रहा हूं, अगर इसको पकड़ पाओ तो। आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करो। कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, कितनों के ऊपर से जा रहा है? शुक्र है, जा भी रहा होगा तो अपना हाथ तो ऊपर करोगे नहीं, है कैमरा लगा हुआ है, क्या हाथ ऊपर करना है? यहां तक पकड़ में आ गया? तो अब आप क्या करोगे, थॉट को यूज करोगे सिर्फ तब जब कोई काम करना होगा। जब कोई काम नहीं होगा तो आप क्या कहोगे, थॉट की मेरी जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं माइंड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल आ जाना, और कोई तरीका नहीं है, देयर इज नो अदर वे। आपको समझ आ जाए थॉट की जगह क्या है, आपको समझ आ जाए लैंग्वेज की जगह क्या है, उसको अपनी जगह पर आपने रख दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थॉट इसलिए नहीं है कि कुछ हो गया है उसके बारे में अपने अंदर ही अंदर कुछ बोलते रहो, उससे क्या होगा? जो हो गया है पास्ट में, उसको क्या आप पास्ट में जाकर के बदल सकते हो? तो अब वहां पर लैंग्वेज का क्या रोल है? आप लैंग्वेज को किस लिए यूज कर रहे हो?
उसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, जिसको आप सोच बोलते हो वो बोलना ही है, उसके बारे में कुछ भी अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, चलो मेरा तो फेल हो गया, उसका क्यों पास हो गया, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था, हाँ वो तो ऐसे दिखाता था कि मैं नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ती, वो टॉप कर गया है, मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ, मेरे माँ ऐसे समझ गए, ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हो इस लैंग्वेज को आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज है किस लिए, कभी ऐसा सोचता ही नहीं कोई, नोबडी थिंक्स इन दिस लाइन। अगर ये ना समझ आए तो और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको लोग क्या बोलेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, मेडिटेशन करो, उससे क्या होगा, लगाओ दिमाग, मेडिटेशन कर रहे हो बैठ करके, आंखें बंद कर ली और मेडिटेशन कर रहे हो, क्या होगा, अपने अंदर ही अंदर बोलते रहोगे चलो ठीक है, मेडिटेशन करते 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 कई दिनों तक आपका टॉर्चर किया, हाँ टॉर्चर किया मतलब आपको एक डार्क रूम में ले जाकर के बंद कर दिया, तो आप क्या करोगे, आप थक जाओगे, दो दिन तक अंदर बड़बड़ करोगे, चार दिन तक करोगे, उसके बाद में आप अपने हथियार डाल दोगे, फिर क्या होगा, आपको एक नींद जैसी एक स्टेट में चले जाओगे, जिसको लोग समाधि बोलते हैं, नींद जैसी एक स्टेट होगी जहां पर कुछ देर के लिए थॉट चलने बंद हो जाएंगे, मतलब क्या, आप अपने अंदर अंदर बोलना बंद कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपका बहुत टॉर्चर हुआ, जैसे आप एक पार्क में चले जाओ और दो घंटे तक नॉनस्टॉप भागते रहो, उसके बाद में आ करके जमीन पर ऐसे लेट जाओ घास के ऊपर, थॉट्स नहीं आएंगे, मेरे से लिखवा करके रख लो कोरे कागज पर, आपका एक्सीडेंट होता है एकदम से, कहीं चोट लगती है, थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, फुल फोकस उस तरफ चला जाता है, फोकस ही नहीं होता उस टाइम पर, फोकस आउट हो जाता है, समझे, फोकस ही आउट हो जाता है, गहरी नींद में क्या होता है, कहां फोकस होता है आपका, नींद पे फोकस होता है, जब तक नींद पे फोकस होता है तब तक नींद नहीं होती है, नींद का मतलब क्या है, फोकस आउट, पकड़ में आ रही है सब बातें, कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको समझाने की, थोड़ी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला, जो मैं बोल रहा हूं उसको साथ साथ में देखना भी होगा, उसको समझना कहते हैं, सिर्फ थॉट्स में उलझे रहना नहीं, वर्ड्स में उलझे रहना नहीं, जो मैं वर्ड्स बोलता जा रहा हूं उनको छोड़ते जाओ, समझते जाओ मैं आपको कहां लेकर के जा रहा हूं। रिलैक्सेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोलिंग योर माइंड, व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू आर रिलैक्स्ड बट यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, उठते ही वापस से थॉट्स वहीं के वहीं आ जाते हैं, जैसे नशा, कुछ देर के लिए आपने नशा किया, जब तक नहीं किया था तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक ये था कि ठीक है मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने, नशा किया क्या हुआ उससे, आप प्रॉब्लम्स को भूल गए थोड़ी देर के लिए, डीफोकस हो गया सब कुछ, नशे में चले गए, अब आपने कुछ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया है आपने उस टाइम पे, अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए, थॉटलेस स्टेट, थॉटलेस, इट इज नॉट थॉट फ्री, लेस नंबर ऑफ थॉट्स, इससे आपने क्या सीखा, थॉटलेस स्टेट कमाल की है, अगर आप वहां तक पहुंच पाओ तो, उससे ज्यादा पसंद की और कोई चीज नहीं है आपकी लाइफ में। गहरी नींद में क्या होता है, थॉट कम्स टू एन एंड, थॉटलेस स्टेट, इसीलिए आपको अपनी नींद से इतना प्यार है, कोई है ऐसा यहां पे जिसको अपनी नींद से प्यार ना हो, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जिसको अपनी नींद से प्यार ना हो, आपके अंदर रोज सुबह एक लड़ाई होती है 10 मिनट और 5 मिनट, चलो राउंड फिगर कर देता हूं, 7:15 क्या होता है, 7:30, 7:30 अच्छा नहीं लगता है, होता है, इससे क्या प्रूव हो रहा है, हम सीखते नहीं अपने एक्सपीरियंसेस से, जिस दिन आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना शुरू कर दिया, आपने ग्रो करना शुरू कर दिया, मेरी बातों को उठा करके आपने अपनी ब्रेन में फीड कर दिया, तो आप वही गलती कर रहे हो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रही है, आपको रोबोट बनाया जा रहा है, डोंट बी अ रोबोट, डोंट लुक एट माई सेशंस एज अ रोबोट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से, सोते वक्त क्या होता है, क्या हमारी ब्रेन डेड हो जाती है, डेड नहीं होती है, सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रही है ना, बस हम बोलना बंद कर देते हैं, जो इस थॉटलेस स्टेट को नहीं समझ पाए ना, जो थॉट को नहीं समझ पाए, वो क्या मतलब निकालते हैं, बस बैठे रहो कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं, दैट इज नॉट अ थॉटलेस स्टेट, आपको मरना नहीं है, आपको मुर्दा नहीं बनना है, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे थॉटलेस स्टेट में, एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरी तरह से साइलेंट है, अगर उसके अंदर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली तो इमीडिएट रिस्पॉन्स बाहर आएगा, सोच सोच करके नहीं आएगा, इसको बोलते हैं साइलेंट ब्रेन, वो ब्रेन जो साइलेंट हो चुकी है। तो अपने इस गहरी नींद के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, डीप स्लीप से क्या सीखा, कि थॉटलेस स्टेट कमाल की है। थॉटलेस स्टेट मतलब क्या है,
जब हम अपने आप से नहीं बोल रहे होते, बस ये नहीं है कि हम मर गए होते हैं, ब्रेन एक्टिव होती है, इनफैक्ट ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। अगर आपको कोई बीमारी है उसको ठीक करना है तो उसका तरीका क्या है, जानवर कैसे ठीक करते हैं, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट, थॉटलेस स्टेट। तो उसमें क्या होता है, ये जो नेचर है वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देता है। ये जो नेचर का काम है, हम उस काम में बीच में अपनी टांग नहीं अड़ा रहे होते हैं तो नेचर अपना काम ढंग से कर देता है। हम टांग अड़ाते हैं तो क्या होता है, जागते ही क्या होता है, बीमारियां बढ़ने लग जाती है। आपको हल्की सी छींक आई, अरे मैं तो फिर गया। समझ गए, ये गड़बड़ हो रही है। नींद में छींक आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं है, छींक आ जाती है कई बार नींद में। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है यहां तक, तो अब आप क्या करोगे, थॉट को, लैंग्वेज को एक टूल की तरह देखोगे, वो टूल जिसको तभी यूज करना है जब कुछ करना है, या तो कोई काम करना है या कुछ सीखना है। That's it. अगर ये बात आपको समझ आ गई तो क्या होगा, अभी भी पुरानी आदतों की वजह से कई बार आप थॉट को गलत तरीके से यूज करोगे, क्योंकि एक मोमेंटम जब बन जाता है तो एकदम से नहीं खत्म होता है। एक ट्रेन ने 200 की स्पीड पकड़ ली है तो क्या वो एकदम से रुक जाएगी, धीरे धीरे रुकेगी ना, बस समझ लेना। ये समझ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक करती चली जाएगी अगर मेरी ये बात आपने गहराई से समझ ली है तो। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज एंड यू पुट इट इन द राइट प्लेस इन योर लाइफ, यू हैव गॉट कंट्रोल ओवर योर थॉट। ये बात जितनी गहराई से आपको समझ आती चली जाएगी, आपके माइंड का उतना ही कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा, फिर आप ज्यादातर थॉटलेस स्टेट में ही रहोगे, कोई काम ही नहीं है। पेचकस लेकर के घूमते हो क्या अपने हाथ में, अभी है किसी के हाथ में तो लेकर के आया है, नहीं लेकर के आए, क्यों नहीं लेकर के आए, हो सकता है कॉपी लेकर के आए हो, पेन लेकर के आए हो, कॉपी और पेन क्यों लेकर के आए हो, क्योंकि आपको लग रहा था शायद वो यहां पर काम आने वाला है, पेचकस काम नहीं आने वाला है। तो लैंग्वेज को आप तभी यूज करोगे जब काम आना है। तो क्या होता है, दिस एंटायर बैगेज ऑफ थॉट एंड द ग्राउंड फॉर थॉट इज मेमोरी। विदाउट मेमोरी कैन यू स्पीक अबाउट एनीथिंग, दिस बैगेज ऑफ मेमोरी कम्स टू एन एंड। लोग क्या मतलब निकालते हैं मेरे सेशंस का, सर मेमोरी से कैसे पीछे छुड़ाए, अरे घोचू तेरे को मेमोरी से क्यों पीछे छुड़ाना है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि मैं बोल क्या रहा हूं, थोड़ा सा तो काम आप भी करो। मेमोरी से पीछा नहीं छुड़ाना है क्योंकि मेमोरी बहुत काम की है, आपकी ब्रेन के अंदर एक मेमोरी पड़ी हुई है कि ये आग है, अगर मैं इसके पास में जाऊंगा या जाऊंगी तो जैसे ही टच करूंगी मैं जल जाऊंगी, तो आप उसके पास में नहीं जा रहे हो। ये कहां से हो पा रहा है, मेमोरी से हो पा रहा है। पॉइजन लिखा हुआ है एक बॉटल के ऊपर, आपको प्यास लगी वो थोड़ी पी लोगे जाकर, अगर लिखा है तो। चूहे मारने की दवाई पीता है क्या कोई, नहीं पीता, क्यों नहीं पी रहे हो, अगर पता ना हो, जैसे कोई जानवर है, जानवर पी जाते हैं, समझ गए। तो ये मेमोरी ही आपको जानवर से इंसान बना रही है, अगर आपके अंदर से मेमोरी निकल गई तो आप एक जानवर ही हो, सारी हरकतें जानवरों वाली है, सारी जो बेसिक इंपल्सिस है वो जानवरों वाली है। तो अब कुछ भी हुआ पास्ट में, आप किसी चीज में फेल हुए, सीए आपने किया एक बार आप फेल हुए, कोई है यहां पर 4 बार फेल हुए, कोई है 5 बार फेल हुए, कोई 3 बार फेल हुए, तो अब वहां पर लैंग्वेज का क्या काम है, लगाओ दिमाग। व्हाई डू यू नीड थॉट फॉर दैट, यू नीड इट, मैं ये नहीं कहूंगा जरूरत नहीं है, उस मेमोरी की जरूरत है, किस लिए है, हाँ सीखो, समझो कि मैं क्यों फेल हुआ, ये सब कहां से हो रहा है, मेमोरी से ही तो हो रहा है, थॉट के लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन यहां पर कहीं कोई सफरिंग है, नहीं है। तो आप अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो लेकिन एक काम करने के लिए, वो काम क्या है, सीखना, सीखने के लिए आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। तो अगर आप सीख गए तो क्या हुआ, अब आप ग्रो कर गए, आपका फ्यूचर आज से बेटर हो जाएगा अगर आप सीख रहे हो तो। अगर ये नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं है थॉट क्या है, आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज क्या है, तो अब आप क्या कर रहे हो, फेल हो गए, अब अननेसेसरी उसके बारे में बोले जा रहे हो, उस बोलने से होगा क्या, बिल्कुल ऐसा है आपको प्यास लगी है, पानी 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 पानी, अरे उससे प्यास बुझेगी, कितने साल में बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी। ये बात समझ आनी चाहिए आदमी को, ये प्यास बुझती है एक्चुअल पानी से,
ये जहां पर मैं अभी आपको लेकर के जा रहा हूं, अगर इसकी डेप्थ को आप समझ पाओ और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार पाओ, तो क्या होगा, यू विल बी एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम फियर. एब्सोल्यूटली मतलब एब्सोल्यूटली जीरो फियर. कोई शेर आपके सामने आया, वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है, वो डर नहीं है, समझ गए, क्योंकि उस वक्त तो या तो आपको भागना है या उससे लड़ना है या पेड़ पे चढ़ना है. तो वहां पर तो इमीडिएट परसेप्शन फॉलोड बाय एक्शन. शेर दिखा, एक्शन हुआ. फियर किसे कहेंगे? शेर आ गया तो क्या होगा? तो यू विल बी एब्सोल्यूटली फ्री फ्रॉम ऑल योर साइकोलॉजिकल फियर्स, क्योंकि अब आपको पता है इस लैंग्वेज को यूज क्या करना है. आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, खत्म थॉट, द एंड. मतलब ना कोई एक्सपीरियंस अच्छा है लाइफ में ना बुरा है, अगर आप उससे सीख रहे हो तो. नहीं सीख रहे हो तो अच्छा भी बुरा है, सीख रहे हो तो बुरा भी अच्छा है. सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो लाइफ में कभी ना कभी आगे बढ़ जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर जाओगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.